हेलो गाइस गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर अपने रेडमी के 3S प्राइम के अंदर और रेडमी नोट 5 प्रो के अंदर हम रिंगटोन को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर गाइस आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। थोड़ा फीचर्स में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको जो है आपको अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप रिंगटोन को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जाना होगा। नीचे यहाँ पर मिलता है साउंड एंड वाइब्रेशन, तो साउंड एंड वाइब्रेशन पर जाना है। साउंड एंड वाइब्रेशन पर जाने के बाद यहाँ पर आपको फ़ोन रिंगटोन मिलेगी, तो फ़ोन रिंगटोन पर क्लिक करना है। फ़ोन रिंगटोन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको सिम को सिलेक्ट कर लेना है। सिम को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर चूज़ ऑनलाइन रिंगटोन एंड चूज़ लोकल रिंगटोन और यहाँ पर सिस्टम रिंगटोन्स मिल जाती हैं। तो यहाँ पर सिस्टम रिंगटोन्स में आप जिस पर भी सिलेक्ट करेंगे वो रिंगटोन वो जो है लग जाएगी। और नाउन पर आप बंद से ही करना चाहते हैं तो नाउन पर क्लिक कीजिए। और अगर आप फाइल मैनेजर में से किसी गाने को लगाना चाहते हैं रिंगटोन पर तो यहाँ से लगा सकते हैं, लोकल में से, लोकल रिंगटोन्स में से लगा सकते हैं। और यहाँ पर चूज़ ऑनलाइन रिंगटोन भी रहती हैं, आप चाहें तो इनमें से भी लगा सकते हैं। तो गाइस ये था प्रोसेस रिंगटोन्स को बदलने का, चेंज करने का एंड लोकल में से उठाने का। तो अगर गाइस यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।